हाय फ्रेंड, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आप देख रहे हैं मोबाइल इशू सॉल्यूशन। आज ही मेरे पास एक मोबाइल आया है जो आईबॉल का है। आप इधर देख सकते हैं उसमें क्या है, मोबाइल फुल शॉट है, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप भी दिखाएगा। ये देखिए, मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑन नहीं हो रहा है। चलो उसको ओपन करके देखते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है। ओपन करने के बाद पहले हम जो मोबाइल है उसको चेक करेंगे। मोबाइल को चेक करने के मल्टीमीटर को 20 डायोड की रेंज सेट करना है, जो कंटिन्यूटी रेंज भी बोला जाता है, डायोड का भी बोला जाता है। देखिए, उसके बाद हम इसी तरफ से चेक करेंगे। ये देखो 20 RS, इसका मतलब है हमारा सेट फुल शॉट है। चलो बैटरी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। बैटरी को चेक करने के लिए DC 20 रेंज में रख के हमको सेट चेक करना होगा। जो मैंने रख दिया, अभी चेक करते हैं बैटरी में कितना चार्ज है या नहीं है। ये देखिए फ्रेंड, बैटरी में तो चार्ज है, 3.89 वोल्टेज है, तो मोबाइल ऑन क्यों नहीं हो रहा है। उसके लिए हम मोबाइल को पहले असेंबलिंग करेंगे, करके स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते रहेंगे कहाँ से प्रॉब्लम है। और एक बात फ्रेंड, पहले मेरा जो वीडियो है सब पूरा वीडियो डिलीट हो गया कुछ कारण की वजह से, और आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो उसमें लाइक कर दीजिए। और आपको कुछ कहना है इस वीडियो के माध्यम से तो कमेंट में कह सकते हैं, क्या दूसरा कोई वीडियो के लिए कोई भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलो ये देखते हैं पहले। ये इधर स्क्रू थोड़ा जाम है, ये डिस्प्ले का जो ऊपर में एक ये सामान है उसको निकाल लेते हैं, नहीं तो क्या है इसमें स्क्रू रहते हैं मालूम नहीं पड़ते। मेरे को लग रहा है कोई आदमी उसमें पहले काम नहीं किया ऐसे लग रहा है, खुलेगा तो मालूम पड़ेगा। उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद वो प्लेट को बाद में प्लेट को भी हटा लेते हैं। इसी तरह से प्लेट हटा सकते हैं आप, या वाटर गन का इस्तेमाल करके भी हटा सकते हैं। चलो उसको मैं तो अभी एक बार सर्विस कर दिया, अभी फिर देखते हैं उसमें कोई शॉर्ट वगैरह है। शॉर्ट है तो कैसा शॉर्ट को निकलना है वो भी हम जानेंगे। शॉर्ट है लेकिन मेरे को लग रहा है फ्रेंड इधर एक कैपेसिटर है, ये देख सकते हैं, एक कैपेसिटर शॉर्ट है। पहले उसको निकालेंगे, उसको निकालने के बाद अगर शॉर्ट नहीं है वो एक एक करके हमको चेक करना है। पूरा जो कंपोनेंट्स है, कैपेसिटर, रजिस्टर है, डायोड है, उसको चेक करना है। तो उसको निकालने के लिए मैं इसे भी निकाल सकता हूँ और निकल लेता हूँ। अभी निकलने के बाद देखता हूँ हमारा जो शॉर्ट है वो ठीक है या नहीं। ये देख के फ्रेंड हमारा शॉर्ट निकल गया, जो जो 250 से 600 का अंदर आना चाहिए वो देखिए रीडिंग इधर आ रहा है। इस साइड में 1000 का ऊपर आना चाहिए तो कोई नहीं आना चाहिए। तो देखो 1635, 29, 12, 15 ऐसा कुछ आ रहा है,
मतलब हमारा शॉर्ट निकल गया। अभी कैपेसिटर को एक बार चेक करते हैं जो इधर रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये देखिए फुल शॉर्ट बता रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसका जो बैटरी है वही बैटरी हम डाल के चेक करते हैं हमारा जो कैपेसिटर है वो मोबाइल अभी ऑन है या नहीं है। ये देखिए फ्रेंड मोबाइल ऑन हो गया, एकदम इजी तरफ से वर्क हो गया, शॉर्टकट में हो गया, उसको डालने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको मैं ये बताऊंगा, कभी भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो वही मैं दुआ करता हूँ, एक ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को कुछ सिखाने को मिलेगा, आप लोगों को सीखने को मिलेगा। देखिए अगर मैं पहले इधर जो कैपेसिटर है उसका जो स्टेप है, पहले कभी भी कोई मोबाइल आएगा उसको एक बार पूरा सर्विस करना, देखना है आपको वाटर डैमेज वगैरह किधर है या नहीं है। उसके बाद में इधर बैटरी के आसपास आपको मिलेगा कैपेसिटर डायोड मिलेगा। तो मैं कैपेसिटर मिला था वो पहले मैं उसको निकल निकल के देखा है, शॉर्ट है मैं निकल दिया। उसके बाद अगर नहीं होगा तो नेटवर्क का साइड में एक कैपेसिटर रहता है फिल्टरेशन के लिए, जो ये कैपेसिटर है वो ज़्यादा शॉर्ट होने के चांसेस है। इसी तरह से आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। ज़्यादा चाइनीज़ मोबाइल में चार्जिंग कनेक्टर है, इधर से भी शॉर्ट होता है। फ्रेंड हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंडों में, और कॉमेंट में बताना आपको वीडियो कैसे लगे। चलो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।